स्वागत है तो विद्यार्थियों, कक्षा 12वीं हाई सेकेंडरी परीक्षा जून 2023 यहाँ पे इतिहास का फाइनली मैं असली पेपर लेकर आ चुका हूँ। यह पेपर आपका रुक जाना नहीं, परीक्षा 2023 का है। यहाँ पे आपका देख सकते हो 80 अंक का पेपर होने वाला है, 23 क्वेश्चन रहेंगे, 8 पेज होने वाला है, 3 घंटा समय रहेगा। सबसे बड़ी बात कि विद्यार्थियों रुक जाना नहीं का, आपको इतिहास का नहीं, हमारे पास सभी का भी पेपर आ चुका है। ये देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा दिख रहा है, कक्षा 10 साइंस का पेपर है जो कि आपको 17 ए भी होगा, और यहाँ पर राजनीति का नहीं, रसायन का है, और ये राजनीति का यहाँ थोड़ा दिख रहा है, और यहाँ पे देख सकते हैं ये तो हो चुका। बाकी हमारे यहाँ पूरा पेपर आ चुका है। सबसे बड़ी बात बता दूँ कि विद्यार्थी यहाँ पे थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम है, इसलिए मैं इसको फोटो खींच के आपको PDF द्वारा बताऊँगा, क्योंकि विद्यार्थी लाइट बनाने में आपका भी डिस्टर्ब होता है और छोटा बड़ा ऐसे हो जाता है पेपर में, और इसलिए मैं इसको PDF बनाया हूँ। PDF बनाने से हमारा भी फायदा है, आपका भी फायदा है। इसमें आपको एक रेट दिख जाएगा, आपका ये फायदा है, हमारा फायदा यह है कि हमारे समय की बचत हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाती है लाइव वीडियो बनाने में, और 10 मिनट की वीडियो में आपको इसमें PDF द्वारा पूरा समझा दिया जाएगा, और उसमें आपको 30 मिनट 32 मिनट लग जाएगा, इसलिए आपका 30 मिनट आपका भी समय बच जाए, और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कम समय में पूरी जानकारी। तो यहाँ पे देख सकते हो इसको मैं PDF खींचा हूँ, आप कैमरे की क्वालिटी से मैं इसको इस कलर कर दिया हूँ, कैमरा की क्वालिटी है तो आप देख सकते हो। बाकी आपको इस पेपर की फुल सोल्यूशन इस वीडियो मिल जाएगी, नीचे देख सकते हो यहाँ पे बहुत बारीकी से मैं एक एक क्वेश्चन छोटा से छोटा करके मैं यहाँ पे सोल्यूशन निकाला हूँ, ये देख सकते हो, मतलब बहुत बारीकी से। भले यहाँ पे आपको वीडियो लंबी हो जाए, पूरी जानकारी A to Z यहाँ पे मिलेगी। तो देख सकते हो यहाँ पे 16 का उत्तर आपको, यहाँ पे 15 का उत्तर, यहाँ पे 14 का, यहाँ पे छोटा से छोटा उत्तर निकालने की कोशिश किया हूँ, या आपको सब वीडियो के अंत में मिल जाएगा। तो विद्यार्थी यहाँ पे देख ही सकते हो। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, आपको इस पेपर का सोल्यूशन तो दिखा दिया, आप चलिए पेपर दिखा देता हूँ। तो पेपर में इसको पेपर देखिए मेरे हाथ में था, तो मैंने इसको टिक लगा करके और फोटो ले लिया हूँ। पेपर वही है जो कि मैं यहाँ पे PDF बनाया हूँ, और इसको ऐसा बनाया हूँ कि आपको वहाँ पे लिखने में आसानी हो, इस तरीके से मैं बता दिया हूँ। तो विद्यार्थी तो इसको आपको क्या करना है कि आपको पेपर यही है, पेपर तो मैं यहाँ पे PDF अच्छे से बनाया हूँ, तो अपना निर्देश पढ़ लेना, जैसे निर्देश इंग्लिश एंड हिंदी दोनों वर्जन में आपका पेपर रहने वाला है, यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको निर्देश तो बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं, अपनी काम की चीज़ देखनी है। तो यहाँ पे देख सकते हो पहला क्वेश्चन आपका आ जाएगा विद्यार्थी यहाँ पे। तो विद्यार्थी यहाँ पे मैं थक गया हूँ वीडियो बनाते बनाते, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखना है, एक एक अंक के 4 प्रश्न रहेंगे, आपको 4 अंक यहाँ से मिल जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, देखिए विद्यार्थियों मेरी आवाज़ पर चिंता मत करो, मैं यहाँ पे थक गया हूँ, क्योंकि आपको पता है कि आपको 10वीं का और 12वीं का दोनों पेपर हो रहा है, और बहुत वीडियो बनाना पड़ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे थक गया हूँ बोलते बोलते। इसलिए मैं आपको जो दिखा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा, और आपके सामने जो होगा यहाँ पे देख सकते हो वह स्थान जहाँ हड़प्पा सभ्यता में विशाल यहाँ पर स्नान पार प्राप्त हुआ है। तो ये आपको क्या है, तो यहाँ पर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, आपको बनावली और चंदूदड़ो, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में राइट आंसर आपको मोहनजोदड़ो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 पर है। इस तरीके से इसको लगा लेना। इसके बाद आपको 2 नंबर पे आप देख सकते हो, 2 नंबर आपका है महाभारत की रचना की थी, तो वेद व्यास, आपको वाल्मीकि और मनु याज्ञवल्क्य, तो ये आपको आपको राइट आंसर लिखना है, तो वेद व्यास राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पे देख सकते हो इम तवतुल निवासी था, तो कहाँ का निवासी था, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा आपको मोरक्को, तो ये आपको सन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे देखना है आपके सामने, आपके यहाँ पे आपको देख सकते हो अबुल फल्लव द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताना है, तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आपको राइट आंसर लिखना है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर। इस प्रकार यहाँ पे 5 नंबर देख सकते हो, 18वीं सदी में उत्तरार्ध में जमींदार के राजस्व अधिकार कहलाते थे, तो क्या कहलाते थे, यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में राइट आंसर ऑप्शन नंबर मुंशी हो जाएगा। इसके बाद आपको देख सकते हो भारत की संविधान अस्तित्व में आया, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आपको यहाँ पर 26 जनवरी 1950 में आया था, राइट आंसर लगा देना है। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा है, देख सकते हो, इसको पूरा देखने के बाद इंग्लिश वाले अपना स्क्रीनशॉट लगा लेना। इंग्लिश के बाद आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको अगला क्वेश्चन। इसके बाद विद्यार्थियों यहाँ पे आ गया आपका रिक्त स्थान, तो रिक्त स्थान आपको कैसे लिखना है मैं यहाँ पर पूरी जानकारी आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो हाजा पक्षी काले स्थान को कहा जाता है, तो मोर को कहा जाता है। यहाँ पर देख सकते हो कहानियों का संग्रह काले स्थान में होता है, तो इसका आपको लिखना होगा कहाँ पर होता है विद्यार्थियों, यहाँ पर पूरी जानकारी। इसके बाद विद्यार्थी यहाँ पर अगला प्रश्न देख सकते हो, उसका उत्तर आपको लिख के लाया हूँ, तो वीडियो के अंत में मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो महात्मा युद्ध की भी शिक्षा खाली स्थान पिटक में दी गई थी, तो सुस्त आपको सुस्त लिखना है। इसके बाद किताब उल हिंद खाली स्थान भाषा में लिखी गई है, तो आपको अरबी भाषा में लिखी गई थी। यहाँ पर देख सकते हो कालीन मैकेंज द्वारा विजयनगर की यात्रा सन खाली स्थान में की थी, तो ये आपको आपको लिखना और 1800 में। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो शाहजहाँ के शासनकाल में पंजाब में खालिस्तान नगर की मरम्मत करवाई गई, तो आपको लिखना है कि आपको शाह इसका हो जाएगा, मैं इसका भी वीडियो के अंत उत्तर दे दूंगा। यहाँ पे देख सकते हो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से खालिस्तान में भारत आए थे, तो 1915 में आए थे। तो चलिए मैं इसका उत्तर देख लेता हूँ, इसके बाद मैं आगे क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो विद्यार्थी ये देख सकते हो आपका आपके सामने मैंने पहला का मोर बताया था,
और दूसरा का आपको छंटना है और तीसरा महात्मा बुद्ध का सुस्ती हो जाएगा। किताब अरबी भाषा में लिखी गई थी और यहाँ पे आपका 1800 हो जाएगा और दूसरा में हो जाएगा सा। इस तरीके से लिख लीजिए। आपका अगला क्वेश्चन 1915 महात्मा गांधी ने वापस आए थे। इस तरीके से चलिए मैं अगला क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ जो कि ऑप्शन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर नहीं है आपके यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा। तो चलिए मैं अगला क्वेश्चन आपको पूरा ए टू जेड दिखा देता हूँ। यदि इसमें नहीं दिख रहा होगा तो विद्यार्थी इसमें देख लेना, वही चीज़ है तो यहाँ पे देख लेना। इसके बाद आप अगला क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि सही जोड़ी। चलिए सही जोड़ी दिखा देता हूँ। तो विद्यार्थी फाइनली मैं सही जोड़ी भी लेकर आ चुका हूँ। तो विद्यार्थी मैं यहाँ पर टिक लगा दूंगा, आपको लिख लेना बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे देख सकते हो आपको पहला में आपका चौथा हो जाएगा, तो आप चौथा यहाँ पे लिख लेना। और दूसरा में आपका पचवा हो जाएगा। इसके बाद आपको तीसरा में आपको तीसरा विद्यार्थी आपको छठवां हो जाएगा। और विद्यार्थी यहाँ पे सातवां देख सकते हो, सॉरी चौथा में आपका हो जाएगा चौथा। विद्यार्थी यहाँ पे छोड़ देना है क्योंकि यहाँ पे है नहीं चौथा का, और चौथा का छोड़ देते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देते हैं पचवा का। पचवा का आपका हो जाएगा पहला में और अगला आपका हो जाएगा ये दूसरा में। अब विद्यार्थियों ये जो बचा है ये मुंबई तक का हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा। आपको चाहिए तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इसका उत्तर बहुत अच्छे से। तो विद्यार्थी इसको लिख लीजिए, मैंने यहाँ पर ए टू जेड जानकारी दे दिया। आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और लिख लेना है। एक एक अंक के चार प्रश्न है, छंक यहाँ से मिल जाएगा। चलिए मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ, प्रश्न क्रमांक चार। तो विद्यार्थी प्रश्न क्रमांक चार यहाँ पर पूछा गया है। आप देख सकते हो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर एक शब्द या एक अथवा एक वाक्य में लिखना है। तो एक एक अंक के सात प्रश्न रहेंगे तो 7 नंबर यहाँ से मिलेगा। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है ये आपको लिखना है। तो इसका भी उत्तर अभी बता देता हूँ। और जैन धर्म में 24वें तीर्थकर कौन थे ये बताना है। तो महावीर थे। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो 3 नंबर, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह ने की थी। इसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट में 5वीं रिपोर्टर कब प्रस्तुत की गई थी। तो 1813 में की गई थी। इसके बाद झांसी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो आपको रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो किस घटना के पश्चात महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो चोरी चोरा हत्याकांड हुआ था उसके कारण ले लिया था, ठीक है। इसके बाद संविधान सभा के अध्यक्ष ने समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था। तो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए विद्यार्थी इसका मैं उत्तर दिखा देता हूँ आपको। तो विद्यार्थी इसको आपको लिख लेना है, मैंने यहाँ पे दिखा दिया ए टू जेड। सिर्फ आपको इसको क्या करना है, तैयार करना है। तो पहला में आपको बता दिया, दूसरा महावीर, तीसरा में गुरु गोविंद, चौथा में आपको 1813 और पचवा में आपको लक्ष्मीबाई, छठवां में आपको चोरी चोरा हत्याकांड, सतवां में आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस तरीके से चलिए पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पे मैं आ गया हूँ आपका प्रश्न क्रमांक पाँच जो कि 77 पे है। 77 आपको लिखना है। मैं सही का सही टिंग लगा देता हूँ और गलत का गलत चिन्ह। तो यहाँ पे देख सकते हो काली बंगन राजस्थान में है, तो ये आपको सही बात है कि है। इसके बाद यहाँ पर इंडिका नामक ग्रंथ की रचना कॉल्टिट्स ने की थी, तो ये आपको गलत बात है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो भारतीय म्यूजियन कोलकाता का स्थापना 1816 ईस्वी में हुई थी, तो ये भी आपको गलत बात है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो आपको सती प्रथा का वर्णन निकी तिंग ने किया था, तो ये भी आपको गलत बात है। तीनों गलत गलत है। दक्कन के सुल्तानों की अश्वपति की संज्ञा दी गई थी, तो ये आपकी सही बात है। इसके बाद भूमिहार प्रजनों में महिलाओं की पुस्तैनी संपत्ति का अधिकार प्राप्त था, तो ये आपको लिखना है कि। चलिए मैं इसका उत्तर दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख के लाया था। तो विद्यार्थी आपको क्या करना है, इसको आपको बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना है। मैंने लगा दिया था, पहला बता दिया था सही, दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा गलत, पांचवा सही, छठवां सही, 3 आपको गलत 3 सही, आपको 6 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। तो पूरा लिखना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। चलिए मैं अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ, प्रश्न क्रमांक 6। तो विद्यार्थी इसका उत्तर मैं आपको इसी वीडियो के अंत में दूंगा, तो आपको तो वैसे बताते जाऊंगा। यदि आपको तैयार करना है तो कर लेना। यहाँ पर देख सकते हो सिंधु सभ्यता के पलन के दो कारण देना है। तो आपको पहला हो जाएगा भूकंप, दूसरा हो जाएगा संक्रमण रोग। तो इसका भी मैं वीडियो के अंत में दिखा दूंगा। और यहाँ पे 7 नंबर देख सकते हो आपको भारत की यात्रा करने से पूर्व इम्ब्रंतुला किन किन देशों की यात्रा कर चुका था। तो आपको यहाँ पर बताना होगा कि 1332 में भारत के लिए प्रस्थान करने से पहले वह मक्का की तीर्थ यात्रा और सीरिया, इराक, भारत, यमन, ओमन तथा पूर्व दक्षिण की के लिए तटीय व्यापारिक बंदरगाहों की यात्रा किया था। चलिए मैं इन दोनों का उत्तर एक साथ दिखा देता हूँ। तो विद्यार्थी यहाँ पर 6 का देख सकते हो उत्तर। 6 का आपको इसमें इतना पूरा नहीं लिखोगे तब पर भी चल जाएगा, लेकिन आपको लिखना क्या है यहाँ पे, पहला लिख देना है भूकंप और दूसरा संक्रमण और या जल प्रभाव, 3 में से 1 लिख देना या अब 2 ही लिख देना तो हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको प्रश्न क्रमांक 7 का देख लेना है। 7 का उत्तर यहाँ पे पूरा ए टू जेड लिख लेना है। इसके बाद चलिए आपको 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद विद्यार्थी यहाँ पे आ गया प्रश्न क्रमांक 8, नंबर 8 यहाँ पे बोला गया है भक्ति प्रश्न
परंपरा के दो मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? तो आठ का चलिए मैं उत्तर देख लेता हूँ क्या बोला जा रहा है। तो विद्यार्थियों यहाँ के आठ का उत्तर ये हो जाएगा भक्ति परंपरा की एक और विशेषता, इसकी विविधता है। दूसरे स्तर पर धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा के दो मुख्य वर्गों में बांटता है, सगुण और निर्गुण। ये सगुण एवं निर्गुण दो यही इंपॉर्टेंट है, तो इसका आठ का ये हो जाएगा उत्तर। चलिए नौ नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। इसके बाद विद्यार्थियों आपको नौ नंबर देखना है, क्योंकि दो अंकी प्रश्न है अथवा है जो मर्जी लिखना, मैं ऊपर ऊपर का बता रहा हूँ। तो पंपा देवी कौन थी, तो ये आपको लिखना है कि पंपा देवी कौन थी। तो नौ नंबर का उत्तर मैं दिखा देता हूँ, तो नौ का उत्तर चलिए देखते हैं। तो विद्यार्थियों नौ नंबर आप यहाँ पे देख सकते हो कि पंपा देवी कौन थी पूछा गया था। तो यहाँ पर रामायण में पंपा सरोवर का उल्लेख किया गया है कि यह यहाँ पर ऋषि पतंग की शिष्या सबरी, जो कि भगवान राम की एक पवित्र भक्त थी और रोजाना अपने पवित्र मन से भगवान राम को याद करती थी, तो यही आपको थी सबरी थी, उसी को कहा जाता है। ठीक है, तो इसे 10 नंबर चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद विद्यार्थी आपको यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे दो अंकी मिलेगा, आप जो मर्जी उसको लिख लेना। मैं एक का उत्तर बताऊंगा और एक का आप मैं बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो जाएगी, मैं एक ही को बताऊंगा। यहाँ पे देख सकते हो जजमानी व्यवस्था के बारे में लिखना है, तो आपको 10 का उत्तर दिखा देता हूँ इसके बारे में आपको क्या होगा। तो यहाँ पे 10 नंबर देख सकते हो, जजमानी प्रथा भारत में ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत विभिन्न जातियों के परिवारों के बीच एक सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था, जिसके अनुसार एक परिवार दूसरे को संपूर्ण रूप से कुछ नियम सेवाएं देता है, जैसे जैसे कर्म कांड संपन्न करवाना, हजामत बनाना या कृषि हेतु मजदूर करना। ये आपको राइट हो जाएगा आंसर, जो कि 10 का है। चलिए 11 नंबर पूछते हैं क्या पूछा जा रहा है। इसके बाद विद्यार्थियों यहाँ पर 11 नंबर देख सकते हो कि लहियाठा सॉरी लहियाल कौन थे, तो लठियाल कौन थे, तो लठियाल यहाँ पर पूछा गया है। अड़गर शब्द है लेकिन बहुत सरल इसका उत्तर है, तो लठियाल का आपको बहुत बहुत सरल है, मैं दिखा देता हूँ। देखिए विद्यार्थियों सुनने में तो अड़गर है लेकिन इसका शब्द का अर्थ बहुत सरल है। लठियाल का शब्दिक अर्थ है वह व्यक्ति जिसके पास लाठी या डंडा हो, ये जमींदार के लठत यानी लठी वाज पक्षधार होते हैं, जिसे आपको आपको जानते होंगे कि बहुत लाठी लेके आपको गांव में कोई करता है, मतलब घूमता है, तो उसे लठीवाज बोला जाता है, वही आपको शब्द बोला गया। बाकी आपको ये अड़गर लग रहा है लेकिन बहुत सरल उत्तर है। चलिए आपको इसके 12 नंबर देखते हैं। इसके बाद विद्यार्थी यहाँ पर 12 नंबर देख सकते हो, आपको 12 नंबर आपको अवध में क्रांति का जोर सबसे ज़्यादा क्या था, और इसका अथवा है कि 1857 की क्रांति कब और कहाँ से प्राप्त हुई थी। तो आपको दो अंकी प्रश्न है, तो आपको विद्यार्थियों मैं लास्ट में उत्तर दूंगा, क्योंकि इसे काफ़ी लंबी वीडियो हो जा रही है, इसलिए मैं एक एक करके नहीं बताऊंगा। तो पहले मैं उत्तर दिखा देता हूं डायरेक्ट, इसके बाद आपको क्वेश्चन के बाद आंसर दिखाऊंगा। 13 नंबर देख सकते हो, असहयोग आंदोलन के कोई दो कारण लिखना है, तो आपको अथवा नंबर महात्मा गांधी ने दाढ़ी यात्रा और कब और कहाँ से प्रारंभ की थी। दो अंकी प्रश्न है, तो दो अंक कहाँ से मिलेगा, तो बहुत अच्छे से इसको लिख लेना है, आपको वीडियो के अंत में उत्तर मिल जाएगा। 14 नंबर है यहाँ पे शाही नौ सेना विद्रोह कब और कहाँ से कहाँ हुआ, और अथवा नंबर है श्रीमती दुर्गाबाई ने राष्ट्रभाषा के संबंध में क्या चिंता व्यक्त की थी, तो इसको आपको लिखना है। दो अंकी प्रश्न है, बहुत अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद 15 नंबर देख सकते हो, भारतीय संविधान की कोई दो विशेषताएं देना है, और इसका अथवा लिखना है भारतीय संविधान के चार प्रमुख सदस्यों के नाम लिखना है, तो इसको भी उत्तर वीडियो के अंत में मिल जाएगा, बहुत अच्छे से मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो आपको 16 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में विवाह संबंधित नियमों को लिखना है, जो कि आपको 16 नंबर क्वेश्चन आया है, तो इसका विषय तो मैं उत्तर बता सकता हूँ, बहुत सरल सरल है। तो चलिए मैं आपको 16 का दिखा देता हूँ कि वैशाल विवाह, इन विवाहों में ब्राह्म विवाह, देव विवाह, आर्य विवाह एवं प्रजापत विवाह को ही विधि समस्त माना गया है, अतीत चार प्रकार के विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता है। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किसी विवाह को विधि सम्मिलित नहीं माना जाता है, इसका उत्तर वीडियो के अंत में बहुत अच्छे से दूंगा। इसका अथवा देख सकते हो, आरंभिक काल में महिलाओं की स्थिति का वर्णन कीजिए, बहुत अच्छे से वीडियो के अंत में उत्तर मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो 3 अंक की प्रश्न स्टार्ट हो गए, सांची स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों का क्या योगदान रहा, तो बहुत अच्छे से आपको 17 का लिखना है। तो भोपाल की दो दो शासिकाओं शाहजहाँ बेगम और सुल्तान जहाँ बेगम ने रांची के सांची के स्तूप को बनाए रखने में उल्लेखनीय योगदान दिया है, उन्होंने उसके संरक्षण के लिए धन भी दिया और इसके पुरावशेषों को भी सुरक्षित किया। 1818 में इन स्तूपों की खोज के बाद बहुत से यूरोपियों का इसमें पुरावशेषों के प्रति विशेष आकर्षण था, बहुत अच्छे से वीडियो के अंत उत्तर मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे जैन धर्म के 3 शिक्षाएं देना है, तो शिक्षाएं लिखना है, तो वीडियो के अंत उत्तर मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, विजयनगर के शासकों ने जल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या क्या कार्य किए थे, और 18 नंबर देख सकते हो महानवी नवी डिब्बा का वर्णन करना है, और 3 अंक की प्रश्न है, बहुत अच्छे से लिखना है। 19 नंबर आपको देख सकते हो, ब्रिटिश भूभाग राजस्व व्यवस्था में भारत के असंतुष्ट है, तो 3 अंक की प्रश्न है। इसका अथवा देख सकते हो, सहायक संधि व्यवस्था के अंतर्गत अवध के नवाब के कौन कौन से शर्तें स्वीकार कराई गई, और यहाँ पे देख सकते हो 20 नंबर आपके सामने रहा, महाजनपदों के चार विशिष्ट अभिलक्षणों के को लिखना है, और इसका अथवा सिक्कों का प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में क्या महत्व है,
हाँ लिखना है, और इसका अथवा देख सकते हो, सॉरी 21 नंबर है। वे सरिया और वा सरिया सूफी परंपरा के बीच दो समानताएं और दो असमानताएं लिखना है, चार अंक की प्रश्न है। इसके बाद इसका अथवा देख सकते हो, कबीरदास जी के मुख्य उपदेशों को लिखना है, और 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के महत्व को स्पष्ट करना है। इसका अथवा है, महात्मा गांधी के राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को जैसे बदला डाला है ये बताना है। इसका आखिरी क्वेश्चन आपको 13 नंबर है, भारत सॉरी 23 नंबर है, भारत के मानचित्र पर नामांकित को दर्शाना है, तो अजंता हम्पी और विजयनगर पाटलिपुत्र सांची सभी को दर्शाना है, या तो अथवा बड़ा दर्शा सकते हो। भारत के मानचित्र निम्नलिखित को दर्शाना है, दिल्ली जगन्नाथ पुरी मंदिर और लोथन अमरावती, इन सभी को दर्शाना है नक्शे में, तो आपको बहुत बारीकी से मिल ही जाएगा। चलिए आपको दिखा देता हूँ आपको उत्तर, तो इधर तो बता दिया था, इस प्रकार आपको लिखना, तो स्क्रीन शॉट ले सकते हो। इसके मैं डायरेक्ट आपको उत्तर की ओर चलता हूँ, तो 6 का उत्तर देख लो, 7 का, ये 8 का रहा, ये 9 का, ये 10 का विद्यार्थी हो, इसके बाद ये 11 का, और ये 12 का, ये 13 का है, 13 का ये 2 पॉइंट में है, 14 नंबर देख सकते हैं, ये 15 नंबर है, ये 16 नंबर, ये 17 नंबर है विद्यार्थी हो, ये 18 नंबर, ये 19 नंबर, ये 20 नंबर पूरा लिख लेना है आपको, ये 21 नंबर जो स्क्रीन शॉट लेना पड़ेगा, इसके बाद ये 22 नंबर, इसके बाद भी तो 22 तक बताया हो, 23वां नंबर में आपको नक्शा बनना था, तो ऐसे ही आपसे बन जाएगा, तो फालतू का समय क्या बर्बाद करें। यदि PDF चाहिए तो टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ, टेलीग्राम के लिंक का डिस्क्रिप्शन में, जो भी डाउट हो कमेंट करके पूछिए। 22 11 00 PDF का पासवर्ड है, मिल जाएगा टेलीग्राम में, टेलीग्राम के लिंक के डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन हो जाओ और PDF डाउनलोड कर लो। जो भी डाउट हो कमेंट करके पूछिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जाएंगे।